हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए एक सोनी का एलईडी टीवी है 32 इंच, जिसका बैकलाइट सेक्शन खराब हो रखा है। तो चलिए पहले आपको ऑन करके दिखाते हैं कि हमारा बैकलाइट ऑन होता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैं लगा दिया पावर, अब इसे ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा ऑन हो गया, लेकिन बैकलाइट नहीं चल रहा। देख सकते हैं हमारा टीवी ऑन हो गया, लेकिन बैकलाइट नहीं जा रहा। तो चलिए इसको खोल के दिखाते हैं और इसको पावर, जो बैकलाइट पावर सेक्शन, इसको भी दिखाते हैं कि हमारा क्या फॉल्ट है। उसके बाद इसमें हम नया ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए इस तरह, यहाँ पे देख सकते हैं इसका जम्पर मारा हुआ है, पहले से रिपेयर किया गया है, इसलिए इसमें यहाँ पे जो हमारा बैकलाइट का होता है फॉल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसमें हम नया मॉडल लगाएंगे। तो नया मॉडल लगाने से पहले आपके पास दो चीज होना चाहिए, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बैकलाइट इन्वर्टर एक होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे देख सकते हैं एक बैकलाइट इन्वर्टर है, ये हमारा 12 वोल्ट से, देख सकते हैं बक कन्वर्टर है। ये बक कन्वर्टर जिसे हम इनपुट 12 वोल्ट देंगे, जो आउटपुट अब यहाँ पे जो सोल्ड कीजिएगा यहाँ से आउट हो जाएगा। तो चलिए इसका सारा कनेक्शन दिखाते हैं, ये कॉम्बो बोर्ड में कैसे हमारा बैकलाइट ड्राइवर इंस्टॉल होगा आपको इसमें दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो मैं उससे पहले बता दूँ कि मैं जो भी इस वीडियो में डालता हूँ सच डालता हूँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए इसको कनेक्शन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो बैकलाइट इन्वर्टर में यहाँ पे देखिए लिखा VCC ऑन ऑफ, एक हमारा ग्राउंड, तो हमें इसे 3 बार सोल्ड करना है, एक VCC, एक बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए, एक ग्राउंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट दिया हुआ, इसे आपको सोल्डिंग करना। ये हमारा VCC हो गया, बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो चलिए इसमें से सोल्डिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बैक कन्वर्टर में आपको 3 बार सोल्डिंग करना है, इन में आपको 2 सोल्डिंग करना है, आउट में 1 सोल्डिंग करना है। इन में हमारा देखिए माइनस वाला है जो ग्राउंड चला जाएगा, प्लस है जो हमारा चल जाएगा पैनल के VCC जहाँ से हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। और दूसरा हमारा देखिए आउट में 1 सिर्फ प्लस जाएगा जो हमारा बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए जाएगा, ठीक है? तो चलिए आपको सारा कनेक्शन दिखाते हैं, फिर से आपको बता देंगे कैसे कैसे कनेक्शन होगा। ये हमारा देखिए बक कन्वर्टर का जो हमारा इनपुट है 5 वोल्ट से 15 वोल्ट, यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने ये हमारा VCC यहाँ से दे रखा है और हमारा एक ग्राउंड है जहाँ से गया, देख सकते हैं हमारा ये एक VCC एक चला गया ग्राउंड। और जो हमारा आउट होगा वोल्टेज, मैंने यहाँ पे 3.3 वोल्ट शॉर्ट कर रखा है, देख सकते हैं ये हमारा बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए चला गया, देख सकते हैं हमारा बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए चला गया। ये हमारा आपको जो बैकलाइट इन्वर्टर का कनेक्शन बताते हैं, जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए मैंने 12 वोल्ट उठा लिया, यहाँ से देख सकते हैं बैकलाइट इन्वर्टर के लिए 12 वोल्ट। ये दूसरा व्हाइट वाला तार हमारा ग्राउंड है, व्हाइट और ब्लू हमारा बैकलाइट इन्वर्टर के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं बैकलाइट इन्वर्टर के लिए। ये VCC पे हमारे प्लस दे दिया, VCC पे यहाँ पे देख सकते हैं, और ग्राउंड को ग्राउंड दे दिया, और बैकलाइट ऑन के लिए ये बैक कन्वर्टर में से दे दिया, देख सकते हैं। ये हमारा आउटपुट हो गया यहाँ से LED, देख सकते हैं मैंने जोड़ दिया। तो चलिए इसका सारा सेटअप करके ऑन करके आपको दिखाते हैं हमारा कैसा काम करता है। यहाँ पे देखिए मैंने सारा कुछ कनेक्शन कर दिया, तो चलिए आपको एक बार समझा देते हैं फिर से। हमारे देखिए ये हमारा ब्लू वायर VCC है 12 वोल्ट, ये हमारा व्हाइट वाला ग्राउंड है, ये जो दोनों हमारा वायर देख सकते हैं आ गया, ये हमारा ब्लू वाला चलाया 12 वोल्ट पे, ये व्हाइट वाला आ गया ग्राउंड पे, ठीक है? उसके बाद ये हमारा इनपुट हो गया इसमें बैकलाइट इन्वर्टर के लिए, हमारा आउटपुट देख सकते हैं रेड वाला रेड प्लस माइनस ब्लैक वाला ब्लैक में जोड़ रखा है। हमारा बच गया बैकलाइट ऑन ऑफ, जो हमारा ये ब्लैक वाला वायर है,
तो ब्लैक वाला बार हमारा देख सकते हैं हमारा जा रहा आउट पे, यहाँ पे देख सकते हैं आउट पे, ये हमारा बक कन्वर्टर है जो इनपुट देख सकते हैं कितना है 5 वोल्ट से 15 वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं दे सकते हैं। हमारा प्लस वाला वायर देख सकते हैं कहाँ पे है, प्लस वाला वायर ब्रेक हमारा चलाया यहाँ पे VCC पे, जो हमारा ये पैनल का VCC यहाँ पे हमारा प्लस वाला आ गया, और जो हमारा ये माइनस बच गया ग्राउंड, इसको मैंने ग्राउंड में कनेक्ट कर रखा है, तो इसीलिए यहाँ से आउट में आया है सिर्फ। देखिए यहाँ पर 3.3 में शॉर्ट कर रखा है, आउट में हमारा आ गया बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए, जो हमारा आउट यहाँ पे बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए सोल्ड कर रखा है। तो हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया, तो चलिए एक बार पावर देते हैं और देखते हैं हमारा बैकलाइट काम करता है कि नहीं। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं जो वीडियो डालता हूँ सही डालता हूँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। एक बार पावर लगाते हैं, ये हमारे 220 वोल्ट यहाँ पे लगा दिया, देखिए हमारा लाइट आ गया। चलिए इसको ऑन करते हैं, हमारा बैक लाइट देखिएगा, देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ यहाँ से ऑन, ये देखिए हमारा ऑन हो गया, ये हमारा देखिए बैक लाइट जल गया यहाँ पे, देख सकते हैं नीचे हमारा बैक लाइट जल रहा है, ये देख सकते हैं हमारा बैक लाइट चल रहा है। मैंने कोई सा भी कनेक्शन नहीं किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो वीडियो डालता हूँ सही डालता हूँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए आपको एक बार दिखाते हैं हमारा कैसा क्वालिटी आता है, और इसमें वीडियो वीडियो चला के दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैक लाइट ऑन है, देख सकते हैं हमारा बिल्कुल अच्छा आ रहा है यहाँ पे, हमारा प्लग हिल गया इसलिए बंद हो गया। चलिए एक बार इसमें वीडियो लगाएंगे और आपको दिखाएंगे, तो पैक करके आपको सारा कुछ अभी दिखाते हैं इसमें कैसा हमारा बर्फ रहता है। देखिए हमने प्लग लगा दिया, अब इसको एक बार ऑन करते हैं, आपको दिखाते हैं क्वालिटी हमारा कैसा आता है। चलिए ऑन करते हैं, देखिए हमने ऑन कर दिया, हमारा देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ गया, इतना झकास क्वालिटी आ रहा है हमारा।